लापरवाह तो वो भी हैं जिन्होंने जान पर खेलकर ट्रैक्टर ट्रॉली की सवारी की। इस हादसे में ज्यादातर बच्चों और महिलाओं की जान गए हैं। अब उनके घरों पर मातम पसरा है। सर, हम लोगों को जब सूचना मिली, चूंकि हम लोग गांव में यही थे कि यहाँ पुलिस प्रशासन खड़ा है, मदद नहीं कर रहा। एक बिटिया थी जो बच गई थी, हमारे भाई की बिटिया है, उसने फोन किया कि चाचा जल्दी आओ, सब लोग ट्राली के नीचे दबे हुए हैं। तो हमारे गांव से दो ट्राली आदमी भर के गए, एक ट्रैक्टर गया, ट्रैक्टर के द्वारा ट्रैक्टर से जोड़ के ट्राली पलटाई गई। फिर जब पलटाने के बाद वहां से हम लोग जो लगभग 7-8 आदमी तो मतलब सांसे चल रही थी, जिंदा थे, उनको किसी तरह जब एम्बुलेंस नहीं मिली ना पुलिस की सहायता मिली, सहायता समय पे नहीं मिली, नहीं कुछ नहीं मिला, तो हम लोग मोटरसाइकिल से लाद लाद के भीतरगांव, मोटरसाइकिल से उन लोगों को निकाल के हॉस्पिटल ले गए। हाँ, हॉस्पिटल भीतरगांव CSC ले गए। उसमें लोड करके कैसे कैसे हम लोग लेके गए। वहाँ जब गए, वहाँ जाने के बाद को फोन किया आप लोगों ने? एम्बुलेंस को तो प्रशासन ने फोन किया, हम लोगों ने भी फोन किया। आप नहीं, आप अगर ये देखना चाहें कि हम लोग ले गए कि नहीं ले गए, झूठ बोल रहे हैं, आप उतने टाइम का वीडियो CSC का देख सकते हैं। जब हम लोग कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल्स पर आप उठाकर लेकर मोटरसाइकिल पे आप CSC का वीडियो जब हम लोग ले जा रहे हैं उठा उठा के, तो उसमें वीडियो में आया है होगा कि आप जाके CSC का वीडियो उठा के देख ले। वहाँ पर जब हम लेके गए, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं, चपरासी आला लगा रहा था, बोला यार खत्म हो गए और सांसें चल रही थी। जब हम लोग ज्यादा विरोध किए तो वहाँ पुलिस अभद्रता करने लगी। पर बताया गया कि पुलिस के जवान तो पहुंचे थे समय पर उनके पास सामान नहीं था। पुलिस के जवान पहुंचे थे वहां, भद्रता कर रहे थे।